अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर हेमलता तलसरे मैम, आपका स्वागत है इस मंच पर। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस कभी हो जा रहा है। इन द लेक वेलकम ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम डॉक्टर अनीता जोशी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सविता भंडारी, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर टीसी पांडे, डॉक्टर रेणु रावत, डॉक्टर तनुजा मिलकानी, डॉक्टर अपरा गोयल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस बीएड, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, अलोंग विद आई वेलकम द रिनाउंड पर्सनैलिटी प्रोफेसर हेमलता तलेसरा मैम फ्रॉम गुजरात। She is the director of RCAM. I welcome her in this program and all the participants across the country, those who are joining this program, I welcome in this virtual platform on behalf of Government BEd and Self Finance BEd. And the most important to welcome today's resource person, Dr. Neelam, Faculty of Education, SSJ University, Almora. She is going to discuss on the topic that is model of teaching. When I am talking about the model of teaching, it is included in our BEd first semester, B103 in Unit 3, the model of teaching, which is very important for the learning purpose for the students as well as for the faculty members. Generally, we talk about in a BEd program that we do this program through the two aspects. First one is theoretical and the second one is pedagogical aspect. एक हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करते हैं, एक हम व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं। जब व्यवहारिक पक्ष की हम बात करते हैं तो we always say pedagogical skills. We always talk about the pedagogical skills. We always talk about the teaching skills. Principles of skills, principles of teaching skills, labels of teaching skills, and teaching strategies, and different kinds of methods. In sab ki hum baat karte hain pedagogical skills mein, which is very important for being a teacher. ये बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए इस पर बात करना और इसी इस pedagogical skill पर आज मैडम हमारे बीच बात करेंगी। और हम सभी जानते हैं कि जब हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग इट इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू एक्वायर टू अचीव आर सम स्पेसिफिक गोल्स, वट एवर गोल्स वी हैव डिसाइडेड, वट एवर गोल्स वी हैव फ्रेम्ड फॉर गेटिंग इट, इट्स दिस मॉडल ऑफ टीचिंग गिव्स अस अ पैटर्न, अ प्लेटफॉर्म, अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टू अचीव दीज स्पेसिफिक गोल्स, ये हमें प्रदान करता है। और टीचिंग स्टडीज का जैसा कि ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग मेथड का जैसा कि ऑब्जेक्टिव है कि शैक्षिक वातावरण बनाना, शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना, क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए, लर्निंग एनवायरनमेंट, जिससे कि टीचर्स बच्चों में जो अपेक्षित व्यवहार की जो अपेक्षा करते हैं वो उनको प्राप्त हो सके। ये अपेक्षित व्यवहार हमें मॉडल ऑफ टीचिंग भी इस व्यवहार को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो ये पेडागॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट विषय हमारे बीच में है। ऑल्दो अगर मैं कहूँ कि ये विषय इतना ब्रॉड है कि इसको समझने में, इसको मींस टीचिंग लर्निंग एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो बहुत इट्स टेक्स टाइम, ये बहुत समय लेता है। लेकिन आज हम इसके ब्रीफ कंसेप्ट की मैडम के द्वारा बात की जा रही है, डिफरेंट एस्पेक्ट में मैडम इसमें बात करेंगी और इस पे जब इसमें बेसिकली ब्रूस का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। और आज मैडम जो है इस उपलक्ष्य में पेडागॉजिकल के एस्पेक्ट में आज मैडम के द्वारा जो है व्हाट एग्जैक्टली मॉडल ऑफ टीचिंग एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ टीचिंग, why it is important in the means in the pedagogical aspect, in the teaching learning aspect, in perspective of teaching skills क्यों है, इस पर मैडम आज हमारे बीच बात करने वाली है डॉक्टर नीलम। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर संगीता रानी
from Self Finance Department to introduce Madam Dr. Anita, Dr. Neelam from Almora. I welcome Dr. Sangeeta Rani is here. Dr. Sangeeta, just give brief introduction of Dr. Neelam. मैडम अनम्यूट कर लीजिए, संगीता मैडम अनम्यूट कर लीजिए। कंटिन्यू मैडम, ओवर टू यू संगीता। जी मैम, चलिए आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं संगीता रानी बीएड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एमबीबीटी कॉलेज हल्द्वानी से हूँ और मैं डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और एकेडमिक डायरेक्टर मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, कन्वेनर मैम, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मैम और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है उन सबका जो है उनको नमस्कार करती और जो है स्वागत करती हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमबीपीजी कॉलेज में गवर्नमेंट बीएड और सेल्फ फाइनेंस बीएड विभाग की तरफ से 10 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है जिसका कि आज जो है नौवां दिन है। आज हमारे आयोजन की शोभा एक है जिनकी प्रगति से हम सभी परिचित हैं, जो स्वयं एक प्राध्यापिका है और वर्तमान में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कर रही हैं, जिनके अनुभवों से निरंतर जो है हम लोग आदर्श मूल्यों वे जो है आदर्श मूल्यों को स्थापित कर रही हैं। लो वॉल्यूम है मैडम, जरा वॉल्यूम तेज कर लीजिए संगीता मैडम, आवाज कम आ रही है ना। हेलो, फुल है वॉल्यूम। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। है मैम, आप आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सभी के लिए वह प्रेरणा स्रोत हैं जिनके प्रकाश से आज सभी लाभान्वित हो सकेंगे। मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलम का स्वागत करती हूँ और उनसे विनम्र अनुरोध के साथ वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित उनको मैं करती हूँ। अध्यापकों और छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें, मैं पुनः उन्हें जो है इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैडम का थोड़ा सा मीन्स एकेडमिक इंट्रोडक्शन थोड़ा रह गया है संगीता, जैसे मैडम एमएससी केमिस्ट्री है, एमएड है, लेट है एजुकेशन में और डीफिल मैडम ने किया हुआ है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मैडम का रिसर्च फील्ड है और रिसर्च फील्ड पे भी माइनॉरिटीज एंड वीमेन स्टडीज पे मैडम ने काम किया है। सी हैज मोर देन 10 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल एंड मोर देन 6 रिसर्च पेपर प्रेजेंटेड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स। She is life member of CT की life member है, तो we all welcome ma'am to just give a presentation on the topic that is model of teaching. Thank you all. My audience to all of you. Please open mic को mute कर लो। Hello. Yes yes madam. आप सुन पा रहे हैं मुझे? Voice yes voice is audible. Okay. So. Thank you all for this brief introduction. And first of all, I would like to thank you all for inviting me in this lecture series. And I also want to congratulate you for initiating this lecture series for BEd government and self-financed institutions. Students इसमें जुड़े हुए हैं. तो आई वुड प्रेफर बाइलिंगुअल मेथोडोलॉजी, दोनों भाषाओं में बात करूंगी क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली जो हैं वो हिंदी भाषा को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑल्दो आई हैव नॉट प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, मैंने प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाया है पीपीटी, लेकिन मैंने इसका एक वर्ड में एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले
हम बात करते हैं क्योंकि काफी फॉर्मेलिटीज हो गई है, टाइम भी काफी हो रहा है। तो सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी को मैं स्वागत भी करती हूँ इस अपनी लेक्चर सीरीज में, लेक्चर में। तो हम मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है शिक्षण प्रतिमान या मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हमारे लिए यह आवश्यक है समझना कि व्हाट इज दिस मॉडल। मॉडल शब्द बहुत से परिप्रेक्ष्यों में इस्तेमाल किया जाता है और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है व्हाट इज द मॉडल। उनके हिसाब से तो मॉडल वो है जो एक रैंप पे कैटवॉक करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप उसी से समझने की कोशिश करिए कि जब कोई चीज, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च की जाती है तो उसको किसी मॉडल के थ्रू लोगों तक पहुंचा, उसको एडवर्टाइजमेंट में एक व्यक्ति होता है जिसको कि हम कहते हैं कि वो इस एड का मॉडल है। और हम सिंपल सी बात करें, अगर कोई ड्रेस मटेरियल है, अगर कोई मान लीजिए कि जेंट्स जो सूट पीस पहनते हैं, पैंट कोट, अगर हम वो उसका किसी वो कोई ब्रांड बनाता है और हम उसका एड देखते हैं तो उसमें जो व्यक्ति उस ड्रेस को पहना हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं उस चीज से, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लोगों को दिखाना है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा पहनकर व्यक्ति कैसा दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि एक 6 फीट लंबा, अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट वाला व्यक्ति ही शो किया जाता है। क्यों नहीं शो करते हैं हम एक छोटी सी हाइट का व्यक्ति, कोई मोटा सा व्यक्ति, अच्छी बॉडी अच्छी हाइट हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्रेस जो बनाई जाती है वो एक सुडौल सुगठित शरीर में अच्छी दिखाई देगी। इसलिए हमने एक आदर्श बॉडी क्या होती है उसको, उसके माध्यम से उस ड्रेस मटेरियल को हम डिपिक्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति मॉडल कहलाता है। यानी इट इज अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, बॉडी टाइप इस तरह का होना चाहिए, तब वो ड्रेस जो है वो पर्टिकुलर व्यक्ति पर अच्छी लगेगी और उसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं कि शायद मैं भी पहनकर ऐसा दिखाई दूंगा। जबकि सबको पता है कि हमें मेरी बॉडी कैसे दिखती है, मेरी हाइट कितनी है, लेकिन फिर भी लोग उस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। हो सकता है उस ब्रांड की एड जो है वो शाहरुख खान कर रहा हो, शाहरुख खान उसमें मॉडल हो, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आदर्श स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह एक मॉडल का मतलब यह है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जो आदर्श स्थिति के हों। तो इसी प्रकार हम अगर वहीं से मॉडल्स ऑफ टीचिंग को रिलेट करते हैं तो शिक्षण के जो प्रतिमान है, शिक्षण के जो मॉडल है वो क्या है, आप समझिए। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ब्रूस आर जॉयस ने। उन्होंने कहा कि दीज आर स्ट्रक्चरल डिजाइंस, ये जो है अनुदेशनात्मक विकल्प हैं और ये किसी विशेष प्रकार के वातावरण को क्रिएट करने और आदर्श स्थिति में विद्यार्थी के साथ अनुक्रिया कैसे होगी, उसमें एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच में आदर्श आदर्श वातावरण में आदर्श अनुक्रिया कैसे होगी, इस चीज को डिफाइन करता है मॉडल ऑफ टीचिंग एक शिक्षण प्रतिमान। यानी किसी आदर्श के अनुरूप अपने व्यवहार को ढाल पाना मॉडल कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षण प्रतिमान की, मॉडल्स ऑफ टीचिंग की। तो एक आदर्श शिक्षण कैसा होगा? आदर्श शिक्षण के लिए वातावरण भी आदर्श होना चाहिए और जो छात्र और शिक्षक के बीच में अनुक्रिया होनी है उसका भी एक आदर्श है। तो इन सब चीजों को डिफाइन करता हुआ जो प्रतिमान होता है या इन सब चीजों को जो जो परिभाषित करता है उसको हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं इसकी दी गई आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो उन पर हम नहीं जाएंगे। मैं कोशिश ये करती हूँ मेरी क्लासरूम टीचिंग में भी कि हम ऐसे बात कर पाए कि सामान्य व्यक्ति को भी वो टेक्निकल बात जो कि हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ सके। तो जो मॉडल्स होते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मॉडल जो होता है वो आदर्श स्थिति होती है, आदर्श व्यवहार होता है, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड से रिलेट करता है वो। एक हमने एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ है कि ऐसा होना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करते हैं हम। तो जब शिक्षण को हम एक आदर्श रूप में लेके चलते हैं तो उसको हम प्रतिमान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूं।
आप सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब हम आते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो है कि वो एक ऐसा शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें कि एक आदर्श शिक्षण हो सके। यानी हमें वातावरण भी ऐसा चाहिए, एक विशेष प्रकार के शिक्षण के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण कैसा होगा, ये एक विशेष मॉडल डिसाइड करता है। दूसरा, जो अधिकतम अनुभव विद्यार्थी को दिए जाने हैं वो भी विशिष्ट होते हैं एक शिक्षण प्रतिमान में। अभी तो हम सामान्य बातें कर रहे हैं शिक्षण प्रतिमान के बारे में। हर प्रतिमान का अपना एक एनवायरमेंट होता है और अपना एक लर्निंग एक्सपीरियंस देने का तरीका होता है। फिर तीसरा है, दे गाइड द इंस्ट्रक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में किस प्रकार की अनुक्रिया होगी ये एक प्रतिमान डिसाइड करता है। हर प्रतिमान में ये बहुत स्पेसिफिक होता है और हर प्रतिमान की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी प्रकृति होती है, जिसके हिसाब से विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अनुक्रिया किस प्रकार की होगी ये वो बताता है। फिर तीसरा है कि जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं, दे गाइड टीचर व्हाट टू टीच, व्हाट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड कंटेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, हाउ टू डेवलप अ पर्टिकुलर लेसन, व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स आर टू बी यूज्ड। जो टीचिंग मॉडल होता है, कोई एक विशेष प्रकार का मॉडल, वो ये बताता है कि उस मॉडल के माध्यम से क्या पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार का मटेरियल होना चाहिए जिसको कि एक विशिष्ट मेथड से पढ़ाया जा सकेगा, एक विशिष्ट मॉडल से पढ़ाया जा सकेगा। फिर एक विशिष्ट पाठ जो है वो किस प्रकार विकसित किया जाएगा, कौन से मेथड्स और स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी, मॉडल अपने आप ये चीज डिसाइड करके बताता है। फिर दे हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण को वैज्ञानिक रूप देते हैं और उसे सुधारने में सहायता करते हैं। फिर प्रत्येक जो शिक्षण प्रतिमान होता है, इट हैज सर्टेन अजम्पशंस, एवरी टीचिंग मॉडल हैज सर्टेन अजम्पशंस, किसी अवधारणा पर आधारित होता है। फिर दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल फिलोसफी, कुछ किसी दार्शनिक सिद्धांत या किसी दर्शन पर आधारित होते हैं, किसी आइडियोलॉजी पर वो आधारित होते हैं। फिर टीचिंग प्रोसेस में हम टीचिंग की बात करते हैं, मॉडल जो है वो उसका व्यवहारिक पक्ष है, वो व्यवहार में बताते हैं कि हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फिर दे आर बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, कुछ मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। और अंतिम है कि ये इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया भी बताते हैं कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर मॉडल में बच्चों का पढ़ा लेने के बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये है विशेषताएं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो प्रत्येक मॉडल में विद्यमान होते हैं। और टीचिंग मॉडल्स के अंदर चार बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है फोकस। तो फोकस फोकस का मतलब है उद्देश्य या केंद्र बिंदु। तो किसी भी मॉडल से पढ़ाते हुए हम उस मॉडल को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर मॉडल आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि पढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार के मॉडल से हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस विशेष प्रकार का जो मॉडल है वो एक विशिष्ट मॉडल जो है उसका एक केंद्र बिंदु है, उसका एक उद्देश्य है। फोकस का मतलब है कि उस मॉडल को से पढ़ाने से क्या बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में आएंगे, क्या क्यों हमने उस मॉडल को चुना है। तो फोकस डिसाइड करता है मॉडल का उद्देश्य, उसके लक्ष्य और या उसके केंद्र बिंदु। फिर दूसरा जो इसका एलिमेंट है वो है सिंटैक्स, जिसको कि अब हिंदी में संरचना कहते हैं। तो संरचना एक तरह से, अगर आप याद करें कि हम फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग में तीन फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो जो प्री एक्टिव फेज होता है, प्री एक्टिव फेज हमको ये वो प्लानिंग स्टेज है, कक्षा में आने से पहले शिक्षक जो प्लानिंग करता है कि वो क्या पढ़ाएगा, उसको पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन से मेथड से पढ़ाएगा,
कौन से प्रश्न पूछेगा, कौन सा टीचिंग एड इस्तेमाल करेगा और किस प्रकार विद्यार्थियों को रिइंफोर्स करेगा। ये कक्षा में आने से पहले जब टीचर डिसाइड करता है तो ये प्री एक्टिव फेज कहलाता है। फोकस जो है प्री एक्टिव फेज का हिस्सा है, क्योंकि फोकस जो है बताता है कि इस मॉडल को हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये कक्षा में आने से पहले डिसाइड होता है कि हम क्यों पढ़ाएंगे, क्या चीज इस विधि से क्यों पढ़ाया जाएगा। तो किसी भी शिक्षण प्रतिमान का जो फोकस है वो उस उद्देश्य को बताता है, जिस उद्देश्य को लेकर के उस प्रतिमान को पढ़ाने के लिए चुना जा रहा है। अब जो सिंटेक्स वाला स्टेज है वो इंटरैक्टिव फेज की बात करता है। ठीक है, जब हम इंटरैक्टिव फेज पे आते हैं टीचिंग में, यानी अंतःक्रिया स्तर, तो अंतःक्रिया स्तर में टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया होती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में पाठ्य वस्तु के माध्यम से बातचीत होती है। तो जो मॉडल का जो दूसरा तत्व सिंटेक्स है, सिंटेक्स बताता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा कक्षा में। ठीक है, कौन से मेथड्स, कौन से स्ट्रेटजीज, यानी एक विशेष प्रकार के मॉडल से पढ़ाते हुए हम कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे क्लास में। तो जो किसी भी शिक्षण प्रतिमान की संरचना होती है, संरचना इस बात का वर्णन करती है कि टीचर पढ़ाते वक्त कौन कौन सी गतिविधियां करेगा, विभिन्न स्तरों पर क्या प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी और शिक्षण से, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो अनुक्रिया होगी उस अनुक्रिया में किस प्रकार वो अनुक्रिया होगी, किस क्या प्रश्न टीचर पूछेगा, किस तरह से वो अपनी शिक्षण की गतिविधियों को कक्षा में संचालित करेगा। तो ये संरचना है। तीसरा है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यानी सामाजिक प्रणाली। आपको पता है हम कहते हैं कि कक्षा जो है वो एक मिनिएचर सोसाइटी है, एक छोटा सा समाज है जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं और टीचर के साथ उनकी अंतःक्रिया हो रही है। तो वो एक सामाजिक वातावरण बनता है। कक्षा जो है, लर्निंग एनवायरमेंट जो होता है वो एक सामाजिक वातावरण होता है जहां पर विभिन्न दो से अधिक, जहां भी दो लोगों से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है वहां पर एक सामाजिक सोशल सिस्टम बन जाता है। तो कक्षा को भी हम सोशल सिस्टम कहते हैं। तो प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान या टीचिंग मॉडल की एक सामाजिक प्रणाली होती है। वो ये डिसाइड करती है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध होगा उस प्रतिमान से पढ़ते समय वो कैसा होगा। क्या टीचर जो है, टीचर पूरी तरह से टीचर ऑटोक्रेटिक रोल अपनाएगा या विद्यार्थियों को भी स्थान देगा, या विद्यार्थियों को ज्यादा अवसर होंगे शिक्षक को कम होंगे, या शिक्षक ज्यादा एक्टिव होगा विद्यार्थी कम होंगे, या दोनों ही सामान्य रूप से सक्रिय होंगे। तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में किस प्रकार का संबंध रहेगा उस विशिष्ट मेथड्स या मॉडल से पढ़ाते समय, ये हमारा सोशल सिस्टम डिसाइड करता है। सामाजिक प्रणाली इस बात का निर्धारण करती है। और नेक्स्ट जो चरण है, नेक्स्ट जो तत्व है वो है सपोर्ट सिस्टम। तो किसी भी शिक्षण प्रतिमान से शिक्षक जो है जब पढ़ा लेता है तो वो अपने पढ़ाने उसके पढ़ा वो अपने उद्देश्य कुछ उद्देश्यों को लेकर कक्षा में आया था और उसने कुछ गतिविधियां की, कुछ मेथड्स को अपनाया, कुछ कार्यनीति की, कुछ एक्टिविटीज की जिसके साथ जिसके वजह से उसकी और विद्यार्थियों के बीच में अंतःक्रिया हुई है, दोनों के बीच में पाठ्य वस्तु को लेकर बातचीत हुई है और टीचर का उद्देश्य है कि बच्चा पाठ्य वस्तु को सीख जाए। सपोर्ट सिस्टम डिसाइड करता है कि विद्यार्थी ने कुछ सीखा है या नहीं। तो ये बात जानने के लिए टीचर क्या करता है, वो विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है। तो प्रत्येक मॉडल अपने आप में आपको ये बताता है कि मैं कैसे पढ़ाया जाएगा और जिस प्रकार हम पढ़ाते हैं उसी प्रकार हम मूल्यांकित भी करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें कि एक प्रक्रिया, जैसे साइंस का अगर मान लेते हैं, हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मान लीजिए शिक्षक ने प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाई है। तो जब वो इस बात को बच्चे ने सीख लिया है या नहीं सीखा है, इस बात का जब वो मूल्यांकन करेगा तो आवश्यक रूप से डेफिनेटली टीचर जो है वो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से मूल्यांकित करेगा कि बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और या चित्र सहित स्पष्ट कीजिए।
तो क्योंकि टीचर ने क्लास में ऐसा किया है इसलिए वो विद्यार्थियों से ये उम्मीद करता है कि प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी उसका उत्तर देगा। तो एक विशिष्ट प्रकार का मॉडल अपने आप में उसने ये बताया है कि किस क्यों हमने उस मेथड से पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, विद्यार्थी और शिक्षक का जो रिलेशनशिप है, जो अंतःक्रिया है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो अब अंत में सपोर्ट सिस्टम ये बताएगा कि अब हम पढ़ा लेने के बाद मूल्यांकन कैसे करें। तो इस प्रकार प्रत्येक मॉडल के चार तत्व होते हैं जो कि मैंने आपको डिसाइड बताए हैं। अब हम कह रहे हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स की। तो अब जो टाइप्स आते हैं, टाइप्स में हमने जॉयस और वेल ने 1986 में टीचिंग मॉडल्स को चार बृहद कैटेगरीज में डिवाइड किया था। दे हैव मेड फोर ब्रॉडर कैटेगरीज, जिसमें कि पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तीसरा है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल्स, और चौथा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। अब क्योंकि बीएड के सिलेबस में मुख्य रूप से तीन शिक्षण प्रतिमानों को डिस्कस किया गया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो मैं ये तीनों, वैसे तो जो समय मुझे दिया गया है वो कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन मॉडल्स को कम से कम शब्दों में और निर्धारित समय के अंदर समाप्त कर सकूं। तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो प्रतिमान है ये बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं कि इस बच्चे को इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब है? तो जब हमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है तब हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल जो है JSD JS टूनर का नाम इसमें ज्यादा लिया जाता है और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स के अंतर्गत आता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स में जो है इनके अंतर्गत जो प्रतिमान आते हैं उसमें सूचनाओं को प्रसंस्कृत किया जाता है, यानी सूचनाओं को इस प्रकार बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि वो उसे आसानी से समझ पाए। तो ये जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि कॉन्सेप्चुअल टीचिंग के ऊपर बात करती। कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाना है तो इस मेथड का इस्तेमाल या इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले यह आवश्यक है समझना कि एक संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक संप्रत्यय की पांच में पांच तत्व शामिल होते हैं कि आप किसको संप्रत्यय कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, जो मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम पाइथागोरस थ्योरम समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट के अंदर पांच विशेषताएं होती, उसका एक नाम होता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल एक विशेष प्रकार के ट्रायंगल को बोलते हैं, एक विशेष प्रकार के ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर जो भी संप्रत्यय होता है संप्रत्यय के उदाहरण आसपास हमारे पाए जाते हैं। जैसे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक है, आप 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाइए और बाकी दो एंगल्स का जोड़ जो है वो 90 होना चाहिए। अब आप 30-60 बनाएं, 45-45 बनाएं, 25 और प्लस 90 करके जो यानी आप बाकी दो एंगल्स किसी भी मेजरमेंट के बनाएं लेकिन उनका जो सम है वो 90 होना चाहिए और जो उसके सामने का एंगल है वो 90 होना चाहिए। यानी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एक विशेष प्रकार के एक नाम है एक विशेष प्रकार के ट्रायंगल का। दूसरा, एक कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स पाए जा सकते हैं, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के एग्जांपल्स दे सकते हैं।
तीसरा है कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसके कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या विशेषताएं हैं कि एक एंगल उसमें 90 होगा, बाकी दो एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे क्योंकि वो 90 से कम है। राइट एंगल ट्रायंगल के में जो 90 का एंगल होगा उसके सबसे आगे सामने की जो भुजा होगी वो सब तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होगी, ठीक है। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, फिर उन विशेषताओं का कुछ मूल्य होता है, ठीक है, उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। तो इस बात की वैल्यू है कि अगर आप एक एंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें एक एंगल अगर 90 का बनाते हैं तो बाकी दोनों एंगल अब जरूर ही दोनों का सम जो होगा वो 90 इक्वल होगा। और उसका एक महत्व तो है क्योंकि वो कहीं पर इस्तेमाल होता है, तो महत्वपूर्ण चीजें तब, कोई भी चीज तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है जब उसका कुछ इस्तेमाल हो, उसकी कुछ यूजेबिलिटी हो, उसकी कुछ एप्लीकेबिलिटी हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पाइथागोरस थ्योरम में इस्तेमाल होता है और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट के साथ कुछ रूल्स जुड़े हुए होते हैं। रूल ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने की जो भुजा है वो सबसे लंबी होगी, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, बाकी दो एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे और तीनों का सम, क्योंकि ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है इसलिए बाकी दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 होगा। तो कुछ रूल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। यदि हम कहें कि वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर एक संप्रत्यय है, तो क्या मतलब है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जंगली जानवर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि आप को जंगली जानवरों के नाम, जंगली जानवर शब्द जो शब्द है वो एक नाम है एक पर्टिकुलर टाइप के जानवरों के लिए जो जंगल में रहते हैं। उनके एग्जांपल्स पाए जाते हैं, उनके गुण ये हैं कि वो जंगल में रहते हैं, वो शिकारी भी हो सकते हैं, पाले नहीं जाते हैं। फिर वैल्यूज ये हैं, उनके कुछ वैल्यूज हैं। और जंगली जानवर अगर हम कह रहे हैं तो रूल्स हैं, रूल्स ये हैं कि वो जंगल में रहेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संप्रत्यय में 5 विशेषताएं होती हैं। नेम, उसके नाम होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं और सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे वर्ग, मैथमेटिक्स में स्क्वायर, स्क्वायर एक संप्रत्यय है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स शो किए जा सकते हैं छोटा बड़ा। उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हाँ चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण 90 होंगे, चारों दोनों डायगोनल्स बराबर होंगे और एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटेंगे, ठीक है, ये उसकी विशेषताएं हैं। एट्रीब्यूट वैल्यूज, उसका कुछ मूल्य है। और रूल ये है कि उसी प्रकार की आकृति जब बनेगी तो उसको स्क्वायर कहा जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में। तो जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये मॉडल विभिन्न संप्रत्ययों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इंडक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और टीचर क्या करता है, टीचर विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और पहले से विद्यार्थी को कुछ नहीं बताया जाता। विद्यार्थियों को उन उदाहरणों में समानताएं देखनी होती हैं और उनमें जो समानता होती है उसके आधार पर विद्यार्थी को एक निष्कर्ष ज्ञात करना होता है। तो जैसे मान लीजिए आप, चलिए हम सिंटैक्स पे जब जाएंगे तो ये कैसे ऑपरेट, कैसे करते हैं इसको तब हम बताएंगे, लेकिन फोकस ये है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का इस्तेमाल जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए किया जाता है और इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। अब है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स जो है यानी संरचना क्या है इस प्रतिमान की, कैसे पढ़ाया जाता है इस प्रतिमान के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत कक्षा में टीचर जो है वो विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करता है, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। वो उदाहरण जो होते हैं लेबल्ड होते हैं और विद्यार्थियों को उन उदाहरणों की जो समानताएं हैं उसकी पहचान करनी होती है। उन उदाहरणों में जो गुण दिखाई दे रहे हैं, जो वस्तु दिखाई जा रही है विद्यार्थियों को,
उसके क्या विशेषताएं हैं विद्यार्थियों को उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, उसको पहचानना होता है। टीचर जो है दो तरह के एग्जाम्पल्स इसमें प्रस्तुत करता है। एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जो कि उस संप्रत्यय से मिलता जुलता होता है, उन उदाहरणों को पॉजिटिव एग्जाम्पल्स कहा जाता है। और कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ तत्व तो उस उदाहरण से मिलते जुलते होते हैं लेकिन कुछ तत्व मिलते हुए नहीं होते हैं, तो उन्हें हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम स्क्वायर बताना चाह रहे हैं सिक्स क्लास में, फिफ्थ क्लास में बच्चे को पहली बार स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो टीचर जो है वो विभिन्न प्रकार के स्क्वायर बच्चों को दिखाएगा, छोटे बड़े साइज के। और ये विभिन्न प्रकार के जो स्क्वायर्स होंगे वो विद्यार्थी के लिए पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होंगे, सकारात्मक उदाहरण। और दूसरे साइड वो नेगेटिव एग्जाम्पल्स दिखाएगा, तो वो चतुर्भुज तो दिखाएगा लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो जो है स्क्वायर से मिलते जुलते हैं। तो जैसे मान लीजिए टीचर रेक्टेंगल दिखा दे, ट्रेपीजियम दिखा दे, पैरेलोग्राम दिखा दे, या और प्रकार और किसी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल दिखा दे, लेकिन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में बार बार स्क्वायर दिखाए जाएंगे। और ये सीक्वेंस जो होता है वो अल्टरनेट होता है, पहले पॉजिटिव एग्जाम्पल फिर नेगेटिव एग्जाम्पल फिर पॉजिटिव एग्जाम्पल फिर नेगेटिव एग्जाम्पल। पहले टीचर ने एक प्रकार का स्क्वायर दिखाया, ठीक है, और उसके बाद उसने उस एक रेक्टेंगल दिखाया, उसने टीचर ने एक क्वाड्रिलेटरल दिखाया सामान्य सा, उसके बाद फिर उसने दूसरा स्क्वायर दिखाया, तिरछा दूसरा उन्होंने रेक्टेंगल दिखाया, फिर उन्होंने तीसरा स्क्वायर दिखाया थोड़े बड़े साइज का, और फिर उन्होंने एक ट्रेपेज़ियम दिखाया। अब जो रेस्ट या सारे यस एग्जाम्पल्स है, विद्यार्थी देख रहा है कि सारे यस एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है कि जो आकृति दिखाई जा रही है उस आकृति में चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर है। लेकिन जो नो एग्जाम्पल्स में आकृतियां दिखाई जा रही हैं वो इस प्रकार की नहीं है, उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, कहीं पर वो ट्रेपेज़ियम है, कहीं पर वो रॉम्बस है, कहीं पर वो किसी और प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेता है कि जो एक यस एग्जाम्पल्स हैं उनमें सब में एक बात कॉमन है कि वो जो आकृति है उसमें चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण 90 हैं, इसका मतलब वो एक विशेष प्रकार का। तो टीचर जो है इस तरह से विद्यार्थियों के सामने यस और नो एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं इसके बारे में जिसको कि परिकल्पना कहा गया है। और टीचर जो है अनुमान के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, जो आप देख रहे हैं जो फेज वन मैंने लिखा है, तो फेज वन में क्या है, टीचर जो है डेटा प्रेजेंट कर रहा है विद्यार्थियों के सामने, और बाद में क्या होता है धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के माध्यम से वो एक निष्कर्ष पर पहुंचने लगता है, और धीरे से क्या होता है धीरे धीरे हम ये इस बात को समझ जाते हैं कि ये एक विशेष प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसको कि हम स्क्वायर कह रहे हैं। तो विद्यार्थियों के सामने ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो दिखाया जा रहा है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। उसके बाद क्या होता है, अब विद्यार्थी को फेज सेकंड पे हम जा रहे हैं, टेस्टिंग द अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। विद्यार्थी ने वो संप्रत्यय समझ लिया है नहीं समझा है इस बात को हम टेस्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों के सामने फिर दोबारा से स्क्वायर्स दिखाए जाएंगे जिन पर कोई नाम नहीं लिखा होगा, विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई जाएंगी विद्यार्थी को, और विद्यार्थी से पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से स्क्वायर कौन सा है या फिर इनको पहचानो। विद्यार्थी जो है क्योंकि वो ऑलरेडी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर आ चुका है तो वो उसे पहचानेगा और बच्चा कहेगा कि हाँ ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है बाकी अलग है, और टीचर उसका कंफर्मेशन करेगा, फिर टीचर बताएगा कि हाँ इसे इस आकृति को स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद विद्यार्थी जो है वो हम उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे हैं इस बात पर चर्चा की जाती है, इस बात पर चिंतन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, और इस तरह से विद्यार्थी जो है संप्रत्यय समझ जाता है कि हाँ ये स्क्वायर है, ये जो आकृति है इसका ये नाम है, इसके उदाहरण है, इसके गुण है, इसकी विशेषताएं हैं, और इस आकृति को बनाने में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से जो है सिंटैक्स में विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है टीचर जो है विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करते हुए उन्हें संप्रत्यय तक ले जाता है।
अब रही सोशल सिस्टम की बात कि इस विधि में, इस मॉडल में किस प्रकार का व्यवहार टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगा, तो जाहिर है क्योंकि टीचर के पास इसमें बहुत सारी चीजें करने को हैं, तो टीचर जो है वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, वो डेटा लाता है कलेक्ट करके विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंट करता है, विद्यार्थियों को प्रॉम्प्ट किया जाता है रिस्पॉन्सेस के लिए, विद्यार्थियों के रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है और कन्फर्मेशन के लिए, और विद्यार्थियों को संप्रत्यय के बारे में तब तक उसका नाम नहीं बताया जाता है जब तक विद्यार्थी स्वयं उसके गुणों को आइडेंटिफाई करके लिखना ना शुरू कर दे, या उस विद्यार्थी से मौखिक रूप से पूछा जा सकता है, लिखित रूप से भी विद्यार्थी को उनमें कॉमन एलिमेंट्स जो उसे दिखाई दे रहे हैं लिखने को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो है वो टीचर का है, विद्यार्थी को जो है के सामने सारी चीजों को टीचर ही डोमिनेट करता है इस सिचुएशन में। अब आते हैं हम इसके सपोर्ट सिस्टम के बारे में, मूल्यांकन प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट बच्चा सीख जाता है तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकते हैं, ओरल भी हम बच्चे का मूल्यांकन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में इस प्रकार से ये चलता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता ये है कि ये मॉडल जो है विशेष रूप से लैंग्वेजेस में, ग्रामर में, जैसे तो ये लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ाने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब इसकी उपयोगिता को देख करके हम इसे साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मॉडल जो है सभी कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मेरिट्स हैं, मेरिट्स ये हैं, ये मॉडल बच्चों में थिंकिंग पावर, क्योंकि इसमें इंडक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्यार्थियों में कन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करता है और विद्यार्थियों को हेल्प करता है चीजों को, तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से और तार्किक रूप से विश्लेषित करने में। तो तार्किक चिंतन और क्रमबद्ध ढंग से चीजों का, तथ्यों का, संप्रत्ययों का विश्लेषण करना ये मॉडल सिखाता है। इसकी एक ही लिमिटेशन है कि ये कक्षा में जो सोशल इंटरेक्शन में जो मैट्रिक्स है, हर विद्यार्थी यानी हर टीचर विद्यार्थी जो है डायरेक्टली टीचर से जुड़ा हुआ है, एक्सपोजिटरी टीचिंग नहीं होती है। यहाँ पर टीचर एक्सप्लेन नहीं करता है कुछ भी, सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करता जाता है, विद्यार्थी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, विद्यार्थी को कुछ बताया नहीं जाता है, विद्यार्थी को स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसमें कोई भी विद्यार्थी जो कुछ भी देख रहा है वो स्वयं प्रस्तुत करेगा और टीचर कंफर्मेशन करता है, तो एक्सपोजिशन टीचर नहीं करता है। अब हम दूसरे मॉडल की बात कर रहे हैं जिसको कि सोशल इंक्वायरी मॉडल कहते हैं। तो सोशल इंक्वायरी मॉडल जो है ये सोशल इंट्रैक्शन मॉडल का एक टाइप है, ये ओलिवर डी और शेवर जेपी ने दिया था। दिस मॉडल जो है, इस मॉडल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके प्रति उसको जागरूक होने और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना सिखाता है ये मॉडल। इस मॉडल का उद्देश्य ही यही है कि ये विभिन्न प्रकार की जो हमारे आसपास समस्याएं आती हैं उनको तार्किक चिंतन और इंक्वायरी यानी पूछताछ के माध्यम से उनके बारे में चर्चा करना और उनका हल ढूंढना। जैसे मान लीजिए अल्मोड़ा में वाटर सप्लाई, पानी की बड़ी समस्या है। अब इस समस्या, क्योंकि एक सामाजिक प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों के लिए, तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस बात के लिए इस तरह का टॉपिक ढूंढ करके हम सोशल इंक्वायरी मेथड के द्वारा, मॉडल के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है ये सोशल इंक्वायरी का इस्तेमाल करता है, प्रश्न पूछताछ के माध्यम से किसी
समस्या या चर्चा के माध्यम से किसी समस्या का समाधान ढूंढना, वो समस्या जो कि मानवता से जुड़ी हुई है या फिर किसी सामाजिक समस्या से जुड़ी हुई है। तो इस विधि में तार्किक चिंतन और पूछताछ और सोशल इंटरेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लोग ग्रुप में चर्चा करके समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इस मॉडल में का जो फोकस है, यहाँ पर फोकस यही है कि ये मॉडल जो है वो सामाजिक और मानवीय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है, अवलोकन विधि द्वारा, प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। अब इसमें इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसमें पांच सामान्य इंक्वायरी फेजेस हैं, ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें जो संरचना है शायद थोड़ा आप फोकस में देख रहे होंगे कि कैसे इसमें काम किया जाता है, तो एक्चुअली ये सिंटैक्स में आना चाहिए था, शायद थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो सिंटैक्स में क्या है, इसमें बताया गया है कि पांच जो सामाजिक, मान लीजिए कोई सामाजिक समस्या पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होनी है, विद्यार्थियों को आपस में भी अंतःक्रिया करनी है, तो इस विधि का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें पांच फेजेस हैं, ओरिएंटेशन, यानी सबसे पहले टीचर जो है विद्यार्थियों के सामने एक समस्या प्रस्तुत करेगा, उनको उसके तरफ उनका ध्यान केंद्रित करेगा। फिर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में हम उस समस्या के संप्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं कि असल में समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है और कैसे दूर हो सकती है, वास्तविक समस्या क्या है। अब जैसे मैंने वाटर सप्लाई का एग्जांपल दिया आपको अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में मुझे नहीं लगता है कि पानी की कमी है, लेकिन ये देखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, कहीं पर तो पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, सारे दिन आ रहा है, चार चार घंटे आ रहा है, कहीं पर आधे घंटा आ रहा है, कहीं पर दो घंटा आ रहा है, कहीं पर वो बहुत बह रहा है, कहीं पर लोग रोज जो है पानी के लिए इधर उधर स्रोतों पे खड़े रहते हैं डब्बे वगैरह लेकर के। तो एग्जैक्ट समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को, समस्या के कॉन्सेप्ट को, कि पानी की कमी है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मतलब आप एग्जैक्टली समझें द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर इन्वेस्टिगेशन, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो इन्वेस्टिगेशन चर्चा के माध्यम से की जाएगी कि हम कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करें, कैसे इस पर चर्चा करें, कैसे समस्या का समाधान ढूंढें। फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, नेक्स्ट जो फेज है वो है कंक्लूजन का है, और बाद में डिस्कशन। तो इसमें समस्या पर चर्चा की जाती है, मैंने इससे पहले फोकस में दिखाया फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय टीचर, टीचर जो है समस्या को रखता है विद्यार्थियों के सामने। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जो है विद्यार्थी जो है वो कुछ कार्यकारी हल बताते हैं, सोल्यूशन बताते हैं। फिर डिफाइन हाइपोथेसिस, उनको स्पष्ट करते हैं। फिर डिस्कस एंड कंफर्म वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं जो समाधान के लिए बनाई गई हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, और ये तय किया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसी परिकल्पना है जो समाधान तक पहुंचाएगी। फिर कलेक्शन एंड एनालाइज वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, जो परिकल्पनाओं बनाई गई हैं उनका विश्लेषण करना और ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन सी परिकल्पना ऐसी है जो समस्या के समाधान तक ले जाएगी, और समस्या उस पर कार्य करना, उसे कैसे कार्य किया जाएगा उस समाधान के ऊपर, ये वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस है। और अंत में इंटरप्रेट एंड डिराइव इंफरेंस एंड कंक्लूजन, लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर सोशल इंक्वायरी का मतलब है कि हम ये देखते हैं कई बार हमारी समस्याओं का समाधान बातचीत से भी निकल जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, लेकिन जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो जो सोल्यूशन हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता, हो सकता है वो किसी और के दिमाग में आ रहा हो। तो ये जो सोशल इंक्वायरी मॉडल है वो इसी पर बेस्ड है। अब इसमें जो सोशल सिस्टम है वो कैसा होगा, जाहिर सी बात है टीचर इनिशिएटर होता है, फैसिलिटेटर होता है इंक्वायरी का, टीचर ज्यादा एक्टिव होता है और वो ही सारी गतियों, क्योंकि वो सारी गतिविधियों को संचालित करता है।
और उस विद्यार्थी को परिकल्पना बनाने और प्रत्येक चरण पर जो शिक्षक है वो उनको सहयोग प्रदान करता है, इसीलिए टीचर जो है इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों को प्रॉपर अवसर दिए जाते हैं समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए और उसके अपने अपने पूछताछ के माध्यम से, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से समस्याओं के समाधानों को विद्यार्थी स्वयं ही ढूंढते हैं। टीचर केवल उसमें एक तरह से प्रॉम्प्टिंग करता है और उनको फैसिलिटेट करता है। अब इसकी जो मूल्यांकन प्रणाली है, क्योंकि ये जो मॉडल है वो विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता विकसित करने और सृजनात्मक रूप से सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित के लिए बनाया गया है, तो इसका मूल्यांकन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे में समस्या समाधान योग्यता विकसित हुई है या नहीं है, सृजनात्मकता उसमें आई है या नहीं आई है, ये तो तब पता चलेगा जब रियल लाइफ में उसके सामने कोई समस्या आएगी और वो उसका समाधान ढूंढ पाएगा। तो जब हम इस मॉडल के माध्यम से बच्चों को समस्या समाधान योग्यता विकसित करना और सामाजिक समस्याओं के सोल्यूशन ढूंढना सिखा तो देते हैं, लेकिन ये चीज उसमें आई है या नहीं आई है, इसके लिए टेस्ट देने का मतलब है कि आप उन्हें वास्तविक कोई समस्या प्रदान करें और बच्चों को उस पर कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाएं, तभी उसका उसमें उसने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कितना नया, कितना सृजनात्मक सोल्यूशन उसने ढूंढा है, ये तो वक्त पर हम छोड़ सकते हैं। इसमें हम कोई रिटन क्वेश्चन फॉर्मेट से नहीं कर सकते। हाँ, इंटरव्यू टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे आर्मी में जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है तो वो उससे पूछते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो आप क्या करो, तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसके माध्यम से देखी जाती है। तो इस मॉडल का जो इवेल्युएशन है इसमें, वो बच्चों का इवेल्युएशन करने के लिए हम इंटरव्यू टेक्निक अपना सकते हैं या उन्हें रियल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये डेविड असुबल ने दिया है, वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, पहले तो समझना आवश्यक है कि व्हाट इज एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो इस अवधारणा पर आधारित है कि विद्यार्थी जो है उसके सामने जब भी हम कोई सूचना रखते हैं तो विद्यार्थी अपने जो उससे संबंधित पूर्व सूचनाएं हैं उनका इस्तेमाल करता है और वो नई सूचना के साथ उसका संबंध स्थापित करता है और तब वो नई चीज सीख पाता है। तो यदि हमें कोई बच्चे को पूरा कोई ऐसी कोई चीज सिखानी है, कुछ समझाना है, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि विद्यार्थी उससे पहले क्या जानता है उसके साथ नई सूचना का कनेक्शन जोड़ना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम अग्रिम संगठक बोला गया, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, यानी उससे आगे की सूचना बतानी है और पहले से जो वो जानता है उसको उससे जोड़ना है। और इसमें एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजिशन व्याख्यात्मक तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे लेक्चर हो चाहे डेमोन्स्ट्रेशन हो। तो बच्चों के सामने जब नए कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया जाता है तो उससे जुड़ी पुरानी सूचनाओं के साथ जोड़ करके नई सूचना को उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है और बच्चा जो है दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है, पुरानी सूचना और नई सूचना दोनों में। इससे क्या होता है कि यदि वो पुरानी सूचनाओं को ढंग से नहीं जानता होता है तो वो उसे भी सीख जाता है, नई तो वो सीखता ही सीखता है, पुरानी भी उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि आप किसी चीज को एडवांस लेवल पर सीखने लगते हैं और बेसिक्स नहीं जानते हैं। तो एडवांस लेवल सीखने के लिए क्या होता है, आप एडवांस लेवल सीखने के लिए बेसिक्स को में हल्का फुल्का भी अगर कोई चीज जानते हैं तो आप उसको जोड़ते हुए बेसिक्स को भी पूरी तरह से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है एक ऐसा इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है
पहले से सीखे गए मटेरियल को के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। हम पूर्व ज्ञान नहीं देखते हैं बच्चे का, हम नवीन ज्ञान देते हैं उसे, और बच्चा उस मटेरियल को हम इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जो पहले से जानी हुई नॉलेज होती है वो बच्चा उसके साथ इंटीग्रेट कर पाता है, उसे जोड़ पाता है। यहाँ पर दो प्रकार से एडवांस ऑर्गेनाइजर्स दिए जाते हैं, एक है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी मेथड में हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके उसके सामने बताते हैं, और दूसरा है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव मेथड में हम जो विद्यार्थी है वो नए और पुराने में कंपैरिजन करने लगता है और इससे वो उसे सीखने लगता है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो, यस मैडम, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब एडवांस ऑर्गेनाइजर में जो के जो पर्पस हैं वो तीन बेसिक पर्पस होते हैं। एक तो दे डायरेक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द अपकमिंग लेसन। आने वाले लेसन में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये बता, उस बच्चे का ध्यान उन चीजों पर केंद्रित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की समस्याएं पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले ही सबसे पहले बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशनशिप पी बाय बी, पी बाय एच, बी बाय एच, ये रिलेशनशिप पहले बता देते हैं। अब ये पी बाय बी, बी बाय पी, बी बाय एच, ये सब क्या है, इसको बताने के लिए वापस बच्चा जो है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले से जानता होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो उसे बाद में बताए जाते हैं। तो पहले से राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानता है, उससे पहले उसे पाइथागोरस थ्योरम बताया जाता है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशनशिप हैं वो उसे बाद में बताए जाते हैं। तो बच्चे का ध्यान केंद्रित किया जाता है उन चीजों पर जिसको कि जो कि उसे आगे लेसन में काम आने वाली है। दूसरा, दे हाईलाइट रिलेशनशिप अमंग आइडियाज दैट विल बी प्रेजेंटेड। अब नई चीज जो हम उसे बताने वाले हैं विद्यार्थी को, तो उसको उसका रिलेशनशिप जो है नए वो सारे आइडियाज जो कि बच्चे के सामने प्रेजेंट किए जाने हैं उनके आपस में क्या संबंध है उसका रिलेशनशिप उसको हाईलाइट करके बताया जाता है। तीसरा, दे रिमाइंड स्टूडेंट ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे ऑलरेडी हैव। जो मटेरियल बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसमें उसे ये याद दिलाया जाता है कि वो पहले से उसके बारे में क्या जानता है। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम पढ़ाने से पहले बच्चे का ध्यान पुराने समय से उसे सीखे गए राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में उसका ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सीखने से पहले वो सीख चुका होता है। फिर इसको मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार संगठित करके प्रस्तुत किया जाता है कि जो मैंने अभी तीन पर्पस बताए हैं वो सॉल्व हो सके। बच्चे का ध्यान केंद्रित किया जाता है मटेरियल के ऊपर और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का अवसर उसको दिया जाता है। तो ये जो मॉडल है ये वर्बल लर्निंग मॉडल है, और इसमें इसकी जो फोकस है वो इस बात पर भी है कि हाउ नॉलेज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। आप ज्ञान को किस प्रकार संगठित करके बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हम चाहें तो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी बच्चे को बड़े सरल तरीके से समझा सकते हैं यदि हमने उसे सही तरीके से व्यवस्थित किया है, एक सही क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया है, और उसकी माइंड किस तरह से सूचनाओं को ग्रास्प करता है इस बात को यदि आप समझ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने कोई मेहमान आता है, एक मेहमान आया, वो आते समय टॉफी या चॉकलेट्स लाता है और जाते समय बच्चे के हाथ में पैसे रख के जाता है, मान लीजिए ऐसा करता है। एक बार एक ने ऐसा किया, रिश्तेदार अक्सर जाते समय पैसे देते हैं, मेहमान नहीं देते हैं, लेकिन हाँ मिठाई फल या कोई चीज बच्चे के लिए हर कोई लाता है, अगर अक्सर लाते हैं तो बच्चे को पता है कि कोई भी बाहर से आएगा तो वो मिठाई फल लाएगा या कुछ भी खाने की चीज लाएगा, और जाते समय कुछ लोग पैसे भी देके जाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है। अब क्या होता है, जब भी बच्चे के सामने कोई मेहमान आएगा तो उसके दिमाग में ये बात होती है कि अब ये जाते समय पैसे देगा,
या आया है तो चॉकलेट आएगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो बच्चा भ्रम में पड़ता है। तो बच्चे के दिमाग किस तरह से कार्य करता है ये हमें समझना है, और उसी तरह से कि बच्चा पुरानी नई चीजों को रिलेट कैसे करता है इस हिसाब से मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम दो मिलती जुलती चीजें जब बच्चे को सिखाते हैं, उनमें से एक नई है एक पुरानी है, तो हम दोनों को इस तरह से रिलेट करते हैं। फिर तो एडवांस ऑर्गेनाइजर की दूसरा जो बात है कि वो ये वो दिखाता है कि लर्निंग कैसे होती है, हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन। हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग करता है सूचनाओं की और तब हम उन्हें, तो ये जो मॉडल है ये डिसाइड, ये इस बात को अज्यूम करके चलता है कि एक विशेष प्रकार की सूचना को माइंड प्रोसेस कैसे करेगा। फिर तीसरी बात है हाउ टीचर कैन अप्लाई दीज आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू द स्टूडेंट। जब भी हम बच्चों के सामने एक नया मटेरियल प्रेजेंट करते हैं तो हम इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि उसका माइंड इसको प्रोसेसिंग करके सीखेगा, तो हमें किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है इस बात को टीचर को ध्यान में रखना है। अब ये जो मॉडल है इसका फोकस क्या है, एक तो ये बच्चे के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। हम बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं बल्कि चीजों को कैसे समझना है कैसे सीखना है उसके ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं इस मेथड से। और तो दो मोस्ट फोकस इस बात का, इस मॉडल का यह है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको प्रबल किया जाए जिससे कि बच्चा जो कुछ भी सीखे वो लंबे समय तक याद करे, क्योंकि एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है उसकी पहले से सीखी हुई सूचनाओं को यूज करता है। यदि पहले से सीखी हुई सूचनाओं को बच्चा भूल जाएगा तो नई चीज के साथ रिलेशन नहीं बैठा पाएगा और फिर आपको आप इस प्रतिमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा, यहाँ पर नए और पुराने मटेरियल के बीच में इंटीग्रेशन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार से हम एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो एक एक्सपोजिटरी या कंपैरेटिव। या तो हम सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता दें या दो चीजें उसके सामने रख दें, एक नई जो उसने नई जो उसे सिखानी है और एक वो जो उसने पहले से सीखी हुई है, और दोनों के बीच में कॉमन क्या है ये भी उसके सामने रख दी जाए, तो बच्चा कंपेयर करके भी चीजों को समझ जाएगा। लेकिन ये चीजें टीचर को करनी होती हैं क्लास में, वो कंपेयर करता है। जैसे आपने मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया बच्चे को और फिर आप नई चीज उसे स्क्वायर पढ़ाने वाले हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की क्या विशेषताएं होती हैं ये सामने रखी जा रही है, नया स्क्वायर उसके सामने रखा जा रहा है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो चीज बच्चे के सामने रखी जा रही है। बच्चा अभी स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन क्वाड्रिलेटरल के बारे में वो ये जानता है कि चार भुजाओं से बना होता है और उसके चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब दोनों में कॉमन चीजें ये हैं कि स्क्वायर के भी चारों एंगल्स जो एंगल्स हैं वो मिलाकर के 360 होते हैं और चारों और उन सबको मिलाकर के वो भी चतुर्भुज है। अब क्या है कि हाँ उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण बराबर हैं, ये विशेष बात है स्क्वायर के केस में। तो जब बच्चा दोनों को कंपेयर करेगा तो वो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को रिलेट कर देगा, उसको ये पता है कि भाई चारों कोण बराबर हैं और टोटल 360 होना चाहिए तो एक कोण का मेजरमेंट कितना होगा ये बच्चा कैलकुलेट कर लेगा। दिस इज द न्यू थिंग फॉर चाइल्ड। तो इस तरह से हम एडवांस ऑर्गेनाइजर को कंपैरेटिव रूप में लोगों के बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी जब भी कोई नई चीज दिखानी है इस प्रकार प्रस्तुत करनी है कि बच्चे को कंपेयर करने का मौका मिले, या फिर आप एक्सपोजिटरी मेथड अपनाते हैं तो विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी से बच्चे के सामने उस चीज को एक्सप्लेन करें, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। अब इसमें जो सिंटैक्स है संरचना वो कैसी है, संरचना यह है कि टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रेजेंट करता है वो इंफॉर्मेशन को बच्चों के सामने, चाहे वो लेक्चर से करे चाहे वो रीडिंग से करे चाहे वो किसी भी तरीके को अपनाए, तो टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे मटेरियल को बच्चे के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और टीचर का प्राइमरी रोल है सूचना को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना। और जो एडवांस ऑर्गेनाइजर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया है
वो बच्चे को कॉन्सेप्ट बताता है और प्रिंसिपल्स बताता है डायरेक्टली। यहाँ पर एनालॉजीज का इस्तेमाल होता है, सामान्यता सिमिलैरिटीज का इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चे को पता है कि कार को चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, ठीक। फिर हमने लिख दिया एरोप्लेन और उसके बाद ब्लैंक छोड़ दिया। अब बच्चे को इसका मतलब क्या लिखना है? बच्चे को उस व्यक्ति वो लिखना है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो एरोप्लेन चलाता है। ये बात तो बच्चे को समझ में आ गई कि उसको ये लिखना है कि एरोप्लेन चलाने वाले को क्या कहते हैं उसका वो, लेकिन बच्चे को पता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में तो वो शब्द तो टीचर ही बताएगा, लेकिन विद्यार्थी को ये बात तो समझ में आ जाएगी कि वो क्या सीखने वाला है, क्योंकि यहां पर हम एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, अलंकारिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अलंकारिक जैसे लैंग्वेज सिखानी हो तो मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि वो गुस्से से लाल पीला हो गया, उसका चेहरा टमटमा गया, तो हमने बोला तमतमा गया या लाल पीला हो गया, तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात क्रोध के बारे में कही जा रही है। तो अक्सर जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर में जब हम एडवांस ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट करते हैं बच्चे के सामने, तो वो एनोलॉजी फॉर्म्स में इस्तेमाल में रखते हैं या फिर मेटाफर्स के फॉर्म में रखते हैं, और बच्चा उनको पहचान कर लेता है। और सॉरी, तो बच्चे को यह पता हो जाता है कि वो जो सीखने जा रहा है वो कुछ नया नहीं है, वो जो भी कुछ नया सीखने वाला है वो पहले से वो उसका कुछ कुछ जानता है। अब इसके सिंटेक्स में तीन फेजेस इन्वॉल्व हैं। पहला फेज है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर में एक्टिविटी क्या की जाती है? टीचर क्लैरिफाइज द एम्स ऑफ द लेसन, पाठ पाठ के उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, जो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं लेसन प्लानिंग में, वो एम्स यूज किए जाते हैं। फिर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजर्स, अब मटेरियल प्रेजेंट करना है बच्चे के सामने, उस चीज को क्यों ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं। अब अगर वो कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है तो आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, अब बच्चे जो हैं उनमें सिमिलैरिटीज और जो विशेषताएं हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। फिर प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बताए जाते हैं। प्रॉम्प्ट लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ द रेलिवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, फिर जो विद्यार्थी की जो पहले से उस चीज के बारे में नॉलेज और अवेयरनेस है उसको उत्तेजित किया जाता है, जिससे कि बच्चा बताए कि हाँ क्या नई चीज आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चा स्वयं जो है नई चीजों को सिखाने में बच्चे को पुरानी चीजों को रिलेट करके उसको प्रॉम्प्ट किया जाता है। फिर दूसरा जो फेज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल। तो लर्निंग टास्क प्रेजेंट की जाएगी, तो इसमें दूसरे फेज में मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है। विद्यार्थी का ध्यान उन चीजों पर केंद्रित किया जाता है जिनको एडवांस ऑर्गेनाइजर्स पर और पुरानी चीजों पर। फिर मेक ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट, बच्चों के सामने दोनों को उनके बीच में संबंध स्थापित करना किया जाता है। फिर मेक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लर्निंग मटेरियल एक्सप्लिसिट, जो हम बच्चे के सामने मटेरियल प्रस्तुत कर रहे हैं उसको पुराने के साथ जोड़कर तार्किक क्रम में बच्चे के सामने, बच्चे का ध्यान उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप पर केंद्रित किया जाता है। इसके बाद उसके सामने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तीसरा है स्ट्रेंथनिंग द कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे बच्चे के दिमाग बच्चे का दिमाग जो है वो भी अपने आप एक मैपिंग करता है चीजों की, उन वो जो गैप्स होते हैं नई और पुरानी नॉलेज में, बच्चा उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करता है। यूज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, हम नए और पुराने को जोड़ करके जो उनमें हमें गैप्स दिखाई दे रहा है अपने आप ही भर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा जो गेस्टाल्ट की इनसाइट थ्योरी है, वहां पर हम समझते हैं कि समाधान कुछ दिख रहा होता है कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो हम विभिन्न पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके समाधान में जो गैप्स होते हैं उसको हम भर लेते हैं और हमारे को समाधान मिल जाता है। तो इसमें ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बच्चा जो है नए पुराने में
इंटीग्रेशन कर सके। फिर प्रमोट एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग, हम इस बात को उत्साहित करते हैं कि बच्चा जो है एक्टिवली उसको रिसीव करे। और फिर चौथा है एलिसिट क्रिटिकल अप्रोच टू सब्जेक्ट मैटर, बच्चा जो है दो नए और पुराने में क्या नया है, क्या है और क्या नहीं है, उनमें उनके बीच में क्रिटिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाता है। और अंत में फिर हम उसे क्लैरिफाई करते हैं कि हम क्या उसे बताने वाले थे। तो इस तरह से एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो सोशल सिस्टम है, टीचर ज्यादा एक्टिव है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है इसका सोशल सिस्टम, क्योंकि टीचर क्रमबद्ध तरीके से दोनों नए पुराने को पहले एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को प्रेजेंट करता है और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक्टिव कोलैबोरेशन होना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बच्चे का ध्यान प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से केंद्रित किया जाता है। टीचर जो है वो बच्चे पर कंट्रोल भी रखता है, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल होता है, और लर्निंग मटेरियल और ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं बच्चे के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाता है नए और पुराने मटेरियल के बीच में। और इससे क्या होता है कि वो बड़ी आसानी से नए मटेरियल को एक्वायर कर लेता है। टीचर जो है दोनों नए और पुराने के बीच में नेगोशिएट करता है, संबंध स्थापित करता है, और टीचर और लर्नर के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन इसमें होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजर और लर्निंग मटेरियल जो है वो कनेक्ट किया जाता है। आप सिर्फ बेसिक ये चीज समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजर जिसे हम कह रहे हैं वो लर्निंग मटेरियल है और दो तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है, और जिस चीज को पढ़ाना है उसकी अग्रिम सूचना दी जाती है और पुराने आगे की बताते हैं, और पीछे वाली सूचना को जो कि पहले से वो जानता है हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चा क्या जानता होगा। दोनों को आमने सामने रखकर बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बच्चा नई सूचना को पुरानी की मदद से सीखने की कोशिश या समझने की कोशिश करता है। और अब जो इसका सपोर्ट सिस्टम है कि यदि इस मेथड से आप पढ़ाते हैं तो इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ओरल टेक्निक अपनाई जा सकती हैं, रिटन टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। तो इस तरह से एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो काम करता है। तो ये तीन मॉडल जो है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आप शायद अब समझ गए होंगे कि शिक्षण प्रतिमान जो है वो एक निश्चित उद्देश्य के अनुरूप आदर्श स्थिति क्रिएट करके बच्चे को पढ़ाने का तरीका है। हेलो, यस यस, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस यू आर ऑडिबल मैडम। तो मैंने यहाँ ये जो आपको एक्सप्लेन किया है, तो आई एम ऑल डन। तो इस तरह से ये तीन मॉडल्स थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। यदि कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपका कोई सवाल है, प्रतिभागी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। प्रबलीन एंड ऑल, किसी के भी मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ और पूछने की जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल। मैम, ये मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर आपका जो रिसर्च फील्ड रहा है वो वुमेन एजुकेशन पे रहा है, तो मेरा आप मतलब मुझे ये जानना है, मेरा मतलब मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने जब क्या कहते हैं आपका जो रिसर्च फील्ड है वुमेन एजुकेशन, तो आपको कैसी कैसी क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिली थी वुमेन्स के लिए एजुकेशन के फील्ड में, जैसा कि हम देखते रहते हैं आज अभी भी देखते हैं, इस टाइम पर भी हम देखते हैं कि वुमेन्स को काफ़ी या फिर गर्ल्स चाइल्ड को काफ़ी एजुकेशन को लेकर आज भी जब भारत इतना वो हो चुका है, क्या कहते हैं, इतना डेवलप्ड हो चुका है, तब भी हमें वुमेन एजुकेशन के लिए फाइट तो करना ही पड़ता है। तो आपको भी अपने रिसर्च के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी?
जहां तक फाइट करने की बात है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, तो मेरे को पर्सनली अपनी लाइफ में कभी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है. माई फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव. लेकिन जहां तक मैं देखती हूँ कि जो जेंडर बायसेस हमारे समाज में है वो आज भी चल रहा है. जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड जेंडर समाज, स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज स्त्री के लिए नहीं बनी है, हम डिसाइड करना चाहते हैं उसके लिए हर चीज. शी इज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. पेरेंट्स कहते हैं टीचर बन जाओ लड़कियों के लिए अच्छा है. वो पायलट बनना चाहती है, वो सिंगर बनना चाहती है, वो मॉडल बनना चाहती है, लेकिन हमें उसे ये अवसर नहीं दिया था. क्योंकि मेरा जो रिसर्च स्टडी है वो वैसे तो मुस्लिम वुमेन पर है और मैंने करियर प्रेफरेंसेस के बारे में स्टडी किया था. तो करियर प्रेफरेंसेस में कि वो तो पर्टिकुलरली मुस्लिम्स पर था, तो धर्म उनका अक्सर बाधक तत्व बनता है उनके करियर प्रेफरेंसेस में. यहीं पर दूसरी बात है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि हम मान के चल देते हैं कि ये चीज स्त्री के लिए बनी है या पुरुष के लिए बनी है. जबकि आज के क्षेत्र में ये देख रही हूं मैं कि कोई भी फील्ड किसी के लिए भी बना है, हर फील्ड हर किसी के लिए बना है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट, और हम सक्सेसफुल उसी काम में हो सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है. तो जहां तक पेरेंट्स का एटीट्यूड है वो बहुत अफेक्ट करता है बच्चे एक करी लड़की के टेंडेंसी होती है कि वो ये सोचते हैं आज भी कि लड़कियों को तो शादी करके पराए घर जाना है, तो क्यों उन पर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए. तो वो पढ़ाते हैं लड़कियों को सरकारी स्कूलों में सस्ती एजुकेशन, और लड़कों को वो हाई प्रोफाइल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं. ये समस्याएं हैं और भी कई तरह की समस्याएं हैं. थैंक यू मैम. और कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ, टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. क्योंकि आपका कोर्स का ही पार्ट है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है ये. मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बीएड का. इससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो आप पूछिए. मैम, हम टीचिंग मेथड्स बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे? ऑफ कोर्स, बच्चों की नीड्स के हिसाब से यूज करना चाहिए बच्चे की नीड्स. अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज है, चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है. कई बार कंटेंट की नेचर होती है ऐसी कि वो एक पर्टिकुलर मेथड डिमांड करता है, और कई बार क्या होता है टीचर का पोटेंशियल. कई बार एक टीचर ऐसा होता है कि वो विशेष मेथड में बहुत ही पारंगत होता है और उस मेथड का इस्तेमाल, जैसे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, ये कंस्ट्रक्टिव मेथड है पढ़ाने का. और अगर एक टीचर इसको इस्तेमाल करता है कंसेप्चुअल टीचिंग के लिए, अगर हम कॉन्सेप्ट, हम चाहते हैं कि बच्चे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाए और उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए, और जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है दो जा सकता है कोई चीज, अगर आप बच्चे के ब्रेन करके चीजों को सीखता है तो वह ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा और लंबे समय तक उसको याद कर पाएगा. अगर टीचर चाहता है कि ऐसा करे और वो किसी पर्टिकुलर मेथड में पारंगत है, जैसे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, तो वो टीचर कर सकता है ऐसा. बच्चे की नीड्स को तो हमेशा ही ध्यान रखना होगा, ये भी एक फैक्टर है. और कोई सवाल आपका? और स्टूडेंट्स कहाँ है? प्रवलीन है, प्रदीप, प्रवलीन, फेमिना. यस यस, हेलो, मैं तो आपने बताया था मॉडल्स चार तरह के मॉडल आपने कहा, तीन तरह के मॉडल. थोड़ा मैं चौथे वाले में जानना चाहूंगी, भले ही वो हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है, बट अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन. मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, शॉर्ट में थोड़ा. हेलो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ. फेमिना रिपीट करो.
हेलो, रही है मेरी? हाँ, दोबारा रिपीट करिए आपका क्वेश्चन क्या है मैम। आपने हेलो, तीन दस प्रोडक्ट तो आपने बताए, हेलो 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 मैम, आवाज आपकी आवाज बीच में कट रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम मैं बोल रही थी आपने तीन तरह के मॉडल्स के बारे में बताया अभी मॉडल्स ऑफ टीचिंग में, तो मैम आप बोल रही थी चार तरह के होते हैं, तो मैं चौथे वाले के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, भले ही वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट अगर थोड़ा सा आप बता सकते हैं इसके बारे में। मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज एक बार, हेलो मैम। ठीक है मैम, आवाज मेरी बहुत ज्यादा कट रही है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। फेमिना और कोई पार्टिसिपेंट? यस मैम, जब जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे ना। मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी, हम देखते हैं कि हमारे स्कूलों में अभी इस तरह का संरचनात्मक ढांचा तैयार नहीं हुआ और हमारे टीचर भी इतने ज्यादा इन टीचिंग मेथड के बारे में जानते नहीं है, तो इन चीजों को अप्लाई करने के लिए हम किस तरह से इनिशिएट ले सकते हैं या सरकार किस तरह से एफर्ट लगा सकती है कि अलग अलग टीचिंग मेथड में शिक्षक जो है अच्छी तरह से अपनी पारंगतता सुनिश्चित कर सकें या हमारा स्कूल इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है तो जाहिर सी बात है वो तो सरकार ही करेगी, वो तो एक टीचर नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर टीचर के अंदर जुनून है और वो प्रोग्रेसिव है तो वो ग्रेजुअल लर्नर होके बहुत सारी चीजें सीख सकता है और वो कर सकता है। ठीक है, जब हम बीएड में टीचिंग कराते हैं सबसे ज्यादा एफर्ट मुझे लगता है हमारे को उसी वक्त किए जाने चाहिए जब हम टीचिंग सिखाते हैं। मेरे अपनी साइंस क्लास में मेरा एक, मैंने दो तीन मोटिव्स बनाए हैं। आप भगवान भले आप सब कुछ ना जानते हो लेकिन आप जो जानते हो वो सही सटीक और परफेक्ट जानते हो, ये आपका मोटिव होना चाहिए। जब बच्चा ग्रेजुएशन करके बीएड में टीचर बनने आता है, सीखने आता है, वो बेसिक्स भूला हुआ होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो टीचिंग में आने से ही पहले तो बच्चे को आप उसके 6, 7, 8, 9, 10th क्लास का सिलेबस है उसके अपने सब्जेक्ट उसको रिवाइज करना होगा, उसे सीखना होगा। उसको ये बात की माफी नहीं दी जा सकती कि मैंने तो ये बहुत साल पहले पढ़ा था मैं भूल गया हूँ। टीचर को ये कहा बच्चों के टीम आता तो ये प्रश्न चिन्ह हम पर हमेशा लगता है, तो मैं अपने बच्चों से बीएड में अपने साइंस स्टूडेंट से पहले पूरा जो उनका कंटेंट है 6, 7, 8, 9, 10th क्लास का, जो अपने समय में कुछ ऐसी चीजें थी जो वो नहीं जानते थे और उसे छोड़कर वो आगे बढ़ गए, अब उन्हें सीखना है उस चीज को। ठीक है, जहां तक रही पेडागॉजी की बात तो टीचर जो है कोई भी मेथड अपना सकता है लेकिन सबसे पहले उसे अपनी बेसिक्स ठीक करनी होगी, अपना सब्जेक्ट नॉलेज ठीक करनी होगी, उसके बाद पेडागॉजी में तो बहुत सारे तरीके हैं, हम बीएड में सिखाते भी हैं। और रही बात इन मॉडल्स की, आप अगर इन्हें गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में यस नो एग्जांपल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैंने अपनी क्लास में करके दिखाया जबकि हमारे बीएड में टीचिंग में ये नहीं सिखाया जाता है, तो मैंने अपने एफर्ट से सीखा है, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मैंने सीखा है। सोशल इंट्रैक्शन मॉडल हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो सोशल इश्यूज पर है, हम सामाजिक समस्याओं का समाधान करने नहीं जाते हैं। हाँ, हम कई बार डिस्कशन डिबेट्स में हम ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस हमारे यहाँ होते हैं जिनमें हम बच्चों के साथ सोशल इश्यूज पर बात करते हैं कि सृजनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर कैसे बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है टीचर के जुनून और जुझारू होने की, अगर ये नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार को दोष हम कब तक देते रहेंगे, पेड़ के नीचे भी पढ़ाया जा सकता है। हेलो,
थैंक यू मैम. हेलो गुड आफ्टरनून मैम. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. मैम जो ये टीचिंग मॉडल्स हैं ये हम प्रैक्टिकली कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो ये बहुत ही अच्छे. हेलो हेलो हाँ मैम, जैसे ये सारे जो टीचिंग मॉडल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और अगर यूज किए जाए तो बहुत बेनिफिशियल है, बट प्रैक्टिकली हम इनको यूज कर भी पाते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करें तो उसमें हम इंक्वायरी स्किल डेवलप करते हैं बच्चों में, और सारे बच्चे नहीं उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेंटल कैपेबिलिटीज. तो इतना टाइम भी नहीं होता क्लास में कि हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट को इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअली हमें करना होता है कि सब इंक्वायर करें एंड क्वेश्चंस पुट अप करें, तो जो हमें टाइम मिलता है एक लेसन का टाइम टेबल के हिसाब से, कितना प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल है? हाँ आपकी बात सही है, एक तो बच्चों का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, सब लोग उतने सृजनात्मक होते नहीं हैं. सृजनात्मकता जो होती है कुछ तो डेवलप की जा सकती है, कुछ इननेट भी होती है. दूसरा तो एक चीज सोचिए ना, आइंस्टाइन सब क्यों नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम सब क्यों नहीं है? कोशिश तो हम करेंगे ना बनाने की, मेरी बात समझ रही हैं आप? यस मैम. ठीक है ना, सब कुछ सबको नहीं हो सकता, हर चीज के लिए हर कोई नहीं बना है, पर टीचर प्रयास तो करेगा ना. यदि हम ये सोच रहे कि ये तो हो ही नहीं सकता तो हम तो छोड़ ही देंगे ना, कोशिश करनी है बस. नहीं मैम, हो नहीं सकता मतलब इस चीज को और इफेक्टिवली कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टारगेट कर पाए, तो ऐसी कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं कि उसी टाइम फ्रेम में? टाइम फ्रेम में तो ये होगा कि आपको आपको एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसे भी पूरा करना है. आप ऑलराउंड डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हो, उसमें और सारी एक्टिविटीज भी है, तो बहुत सारी चीजों की फेसिबिलिटी कम है. अब हमने सोशल इंटरेक्शन या सोशल इंक्वायरी मॉडल पढ़ लिया है, हम सीख गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे साल इसको इस्तेमाल करेंगे, हो भी नहीं सकता है. हाँ लेकिन अगर कुछ चीजों को करते समय हम इनका इस्तेमाल करते हैं, हम थोड़े प्रयास करके कोशिश करते हैं कि बच्चा इन चीजों को सीख जाए, तो कोई बुराई तो नहीं है. हाँ इसके लिए आपको अलग से थोड़ा टाइम तो देना पड़ सकता है, और उसी टाइम फ्रेम में हमें सारे काम करने होते हैं. कभी एक एक्टिविटी के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं ले सकते हैं. आप इसे कोकरिकुलर एक्टिविटी का पार्ट बना सकते हैं, आपके अपने सब्जेक्ट में आप इसको किसी एक दिन आप रख सकते हैं अपने टाइम टेबल में, जिसमें कि आप सोचें कि हाँ मैं इसको कर पाऊं. लेकिन फिर उसके लिए होता है कि टीचर के ऊपर एडिशनल बर्डन तो है ही. थैंक यू मैम. हेलो मैम. हाँ बोलिए. एक क्वेश्चन है, जैसे अभी प्रवीण ने भी पूछा हम कितना मतलब इन चीजों को मॉडिफाई करके अपनी टीचिंग में यूज कर सकते हैं, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स हमेशा से पढ़े हैं, चाहे मतलब किसी भी तरीके से पढ़े हों, किसी भी गाइडेंस में पढ़े हों, वो सारे थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहे हैं, और दूसरा अभी तक अगर हमने इम्प्लीमेंट भी किया है तो जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी जहाँ पर बच्चे मतलब स्कूल में आते थे, हमारा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था इन पर्सन वहां पर की, लेकिन अभी जैसे टाइम चेंज हुआ है कि हम मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या है हमारी जो सारी आजकल मतलब ये रिसर्च मतलब कोई भी चीज है हर चीज ऑनलाइन मोड सब ऑनलाइन, यहाँ पर हम दोनों के बीच में कैसे थोड़ा सा मतलब इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं कि यही टीचिंग मेथड्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए कि ऑनलाइन में भी बच्चों को उतना ही बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी बात होती है नेटवर्क इश्यू, जो आपने भी देखा होगा हमने भी देखा है, सभी हर कोई फेस कर रहा है इस चीज को. तो जो थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं जिन्हें हम ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते थे, उसे ऑनलाइन में कितना मतलब और कैसे करें, मतलब अपने में कितने चेंजेस लाएं, और बच्चों को क्या करने को हम बोलें कि किससे उनके और हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़ पाए. अपने बहुत अच्छा सवाल है ये, बात मैंने भी दो तीन दिन पहले मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि हम लोग जो बीएड कर चुके हैं और जो अब कर रहे हैं, हम सब तैयार किए गए हैं ऑफलाइन मोड के लिए, और हो सकता है कोविड लग
देके कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे गांव देहात में बहुत रूरल और बहुत ऐसे परिस्थितियों में हैं जहां पर हर जगह नेट अवेलेबल हो, उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जहां पर अवेलेबल है तो आपको अपनी टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, ठीक है, आप वो चीजें कर करके बच्चों को दिखाइए तो आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर पाएंगे। हाँ, टीचर के पार्ट में सिर्फ हमारे आजकल देखिए ना, ऑनलाइन मोड में हमारा केवल चेहरा दिखता है, आप चाहें तो मुंह पे मेकअप लगा करके लोअर टी शर्ट में भी बैठ करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, घर में। जबकि टीचर जब साथ में क्लास में जाता है तो प्रॉपर ड्रेस में जाता, वो चीजें भी तो सीखने वाली होती है बच्चे के लिए। हमारा ड्रेसिंग सेंस देख के बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, प्रॉपर तरीके से रहना उठना बैठना सीखता है, वो सब हम नहीं सिखा पा रहे हैं। हमारे लिए ये एक तरह से कह सकते हो कि हमारे हाथ पैर कट गए हैं इस मामले में। लेकिन जहां तक कॉन्सेप्ट्स की बात है जो हम सिखाते हैं, अब हमने क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के लिए तैयार किए गए थे और पढ़ाना पड़ रहा है ऑनलाइन मोड में, तो ऑफलाइन में ऑनलाइन तरीकों से कैसे इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, इसके लिए हमें सृजनात्मक होने की आवश्यकता है, हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैम एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली हम जैसे वीडियोस भी बनाते हैं, पीडीएफ्स बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम पहले से भी करते थे, वहाँ पे हम चार्ट्स वगैरह ज़्यादा बनाते थे, मॉडल्स ज़्यादा बनाते थे। अब वो थोड़ा सा हाईटेक हो गया है तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो पीडीएफ और वीडियोस और ये चीज़ें बना रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ ये है। लेकिन फिर भी मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसमें ये हो रहा है कि वो वन वे ज्यादा हो जाता है। अगर आप इसलिए हो रहा है मैं बताऊं क्या होगा, वन वे कि नहीं मैम एक्चुअली ये होता है ना कि वो ऐसा लगता है कि बस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों की ओर से इनिशिएटिव नहीं है, उनकी ओर से उनका इंटरेक्शन हम फील नहीं कर। देखिए उसका जवाब मैं आपको दूं कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा अकेले में बिहेवियर कुछ और होता है और ग्रुप में और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बिहेवियर कुछ और होता है, ठीक है ना। जब क्लास में बच्चा बैठा होता है तो 50 स्टूडेंट उसके साथ बैठे होते हैं, टीचर सामने खड़ा होता है, जब टीचर उसे अप्रिशिएट करता है जब स्टूडेंट, तो उसको ये दिखता है कि हाँ मुझे डांट पड़ सकती है मुझे, तो वो शर्मिंदगी जो महसूस होती है वो अपने साथियों के बीच में होती है। और अकेले में डांट भी खा लेगा तो अकेला बैठा उसको इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर घर में आप अपने माँ बाप से डांट खाते हैं आपको इतना खराब नहीं लगता, लेकिन आपके चार दोस्त घर में आए हुए हों और उनके सामने आपको डांटा जाए तो आपको छोटी सी बात का भी बहुत बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना स्टूडेंट के मोटिवेशन में कमी, क्योंकि वो एनवायरमेंट नहीं है, एनवायरमेंट जो होता है वो मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है ना। वो लैकिंग है, इसलिए बच्चा का उस तरफ से उतना एंथुसियाज्म नहीं है, और इसका ये ड्रॉबैक तो हमको झेलना पड़ ही रहा है, है ना, क्योंकि हर वक्त हमारे हाथ में एक स्क्रीन है। लेकिन हम बैठे कहाँ हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं जहां पर 50 चीजें हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। हाथ में मोबाइल लैपटॉप के सामने बैठे रहना और रियल क्लासरूम में बैठने में हमारा बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है दोनों जगहों पर। चलिए थैंक यू दीपिका एंड ऑल जिन्होंने भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किए, क्वेरीज अपनी कर रखी। अब मैं वास्तव में डॉक्टर नीलम मैम का जो लेक्चर रहा है वो बहुत ही इम्प्रेसिव और इफेक्टिव रहा है, रियली आई हैव नो वर्ड्स। मैं मतलब ऐसा लग रहा था, मुझे जो फील हुआ कि जो क्लास चल रही थी एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि ऑफलाइन मोड में मैडम हमारे सामने खड़ी हैं और हमको लेक्चर दे रही है, मीन्स पढ़ा रही है, समझा रही है विद एग्जांपल्स। आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कोट किए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक्चुअली ये बीएड स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही ये टॉपिक यहाँ पर लेक्चर सीरीज में हम लेकर के आए हैं। हमने बच्चों से डिपार्टमेंट में हमारी फैकल्टी ने डिस्कस किया बच्चों से गूगल मीट के द्वारा कि आप बताइए आपको कौन से टॉपिक्स और अच्छी तरह से समझने, समझ चुके हो, ऐसा नहीं कि उनके उनके अंडरस्टैंडिंग बहुत, थोड़ा सा और डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा और कंसेप्ट, जैसे आपने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात की तो इसी कंसेप्ट को और अधिक मीन्स गहराई में समझने के लिए तो उन्होंने इस तरह के टॉपिक हमें दिए, वही इस लेक्चर सीरीज में टॉपिक रखे गए हैं। इसमें से एक आज जो टॉपिक था जिसको आपने लिया, बहुत ही रियली नीलम योर लेक्चर वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इन्फ्लुएंसिव फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली आई से नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचिंग फ्रेटर्निटी, सभी के लिए बहुत ही इन्फ्लुएंसिव था।
आगे मिस वोट ऑफ आगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपनी डिपार्टमेंट की सहयोगी डॉक्टर रेणु रावत को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो नीलम मैडम का वोट ऑफ थैंक्स दें, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ने के बाद उनसे, क्योंकि अभी तक आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन इस तरह से नहीं हुआ था, तो बहुत मेरे लिए भी अच्छा था और स्टूडेंट्स ने क्वेरी की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये लगा है कि हाँ लेक्चर में कुछ डेप्थ थी और आप लोगों को कुछ उससे गेन कर पाए हैं, तो मेरा सौभाग्य है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे अवसर प्रदान करते रहेंगे, और अच्छा समय होता मेरे पास तो शायद मैं आपको वो करके भी बताती, जैसे आपके स्टूडेंट्स का कहना है कि ये फिजिबल नहीं है कैसे करेंगे, मैं करके दिखा सकती हूँ कि ये कैसे फिजिबल है। आगे ऐसा मौका देखेंगे, अभी डॉक्टर रेणु रावत आपको वोट ऑफ थैंक्स देंगे। डॉक्टर रेणु रावत, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू चंद्रावती जोशी मैडम। इस 10 दिवसीय व्याख्यान माला का आज नवा दिवस था। इस कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर है, कन्वीनर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैकल्टी एंड आज के जो रिसोर्स पर्सन है हमारी डॉक्टर नीलम कुमारी जी, और हमारी सीनियर रिसोर्स पर्सन बैठी हैं यहाँ पे डॉक्टर तलसेरा मैम, आप सभी को मैं सादर अभिवादन करती हूँ और आप सभी का स्वागत भी करती हूँ, साथ ही आभार भी आप सभी का व्यक्त करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, मैम नीलम मैम को मैंने सुना, मैं पूरी तन्मयता से यहाँ पे सुन रही थी, अपना काम भी कर रही थी, बहुत ही अच्छे से आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग को उसके मेन एलिमेंट्स से लेकर के उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल्स इतना बढ़िया तरीके से आपने, इतना पेशेंटली आपने यहाँ पे एक्सप्रेस किया अपनी थॉट्स को, इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए। दरअसल मैं भी एमएससी केमिस्ट्री हूँ, तो उससे भी मुझे अच्छा लगा, आज आपसे रूबरू हुई तो और भी अच्छा लगा। मैम आपका नॉलेज बहुत अधिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग में, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि हमारे वहाँ मैं ही इसे डील करती हूँ, इस टॉपिक को मैं ही लेती हूँ मॉडल्स ऑफ टीचिंग को, तो मुझे भी एक अलग रिसोर्स पर्सन के रूप में आप मिली। मैंने भी आपको सुना, आपके एग्जांपल्स, जनरली हम साइंस वाले वही मैथमेटिक्स के उसके वही एग्जांपल्स देते हैं, बल्कि बच्चे मुझसे भी कह रहे थे कि मैडम आप हमेशा साइंस के एग्जांपल्स देती हैं, तो होता वही है, जिस सब्जेक्ट के हम स्टूडेंट्स रहे हैं, जिस कैटेगरी के साइंस श्रेणी के रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी वही आते हैं हमारे मन में। तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनने में, आपने बहुत सारे, मुझे लगता है ब्रूस एंड जॉयस की बुक आपने पूरी पढ़ डाली है, मैं भी उसी को पढ़ करके बताती हूँ, और हिंदी में तो कहीं मटेरियल है नहीं, इंटरनेट से भी हम लोग एक्सेस करते हैं नॉलेज को। आपने क्या फोकस है, क्या सिंटेक्स है, क्या सोशल सिस्टम इवेल्युएशन की जो टेक्निक है उससे लेकर के सारी चीजें, मॉडल कंसेप्ट अटेनमेंट, एडवांस ऑर्गेनाइजर, इंफॉर्मेशन मॉडल, सब आपने डिस्कस किए, वो भी खाली डिस्कस नहीं किया आपने, बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपने यहाँ पे दिए बच्चों को। और सबसे अच्छा मुझे ये भी लगा कि बच्चों ने जितनी अच्छे प्रश्न किए उनका आपने बड़े सोच समझकर पेशेंस के साथ इतने बढ़िया आंसर्स दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपसे मिलकर के आपसे परिचय भी हुआ, और मैं सोच रही थी पता नहीं कौन सी मैडम है, हमने देखा ही नहीं था, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लगा, और आपका एक रिदम एक समान था, इतना बढ़िया था डिलीवर करने का तरीका, और एक एक चीज आपने, क्योंकि ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग और उसके टाइप्स को हम एक दिन में नहीं बता सकते, एक घंटे का लेक्चर नहीं है ये, पूरे मतलब एक कंसेप्ट लगते हैं, हाँ कंसेप्ट अटेनमेंट में ही 3-4 दिन लग जाते हैं, मतलब कितने पीरियड लग जाते हैं, बहुत लेंदी है, लेकिन उसको इतने एग्जांपल्स के साथ इतने बढ़िया तरीके से आपने बताया, और इतना शॉर्ट करने में आपने कितना आपने उसमें मशक्कत की होगी मैं अंदाजा लगा सकती हूँ इस बारे में, क्योंकि ये बहुत टफ भी है सब्जेक्ट, इसीलिए बच्चों को
टफ है ये टॉपिक बहुत ज्यादा. कई बार मैं सोचती हूँ इस पर ना मटेरियल है हमारे पास ना कुछ है, इससे रिलेटेड लेसन प्लान्स भी होने चाहिए थे, ऐसा मटेरियल भी नहीं है. बल्कि अब आप मुझे अपना नंबर भी देंगे, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगी ताकि हम इस पर लेसन प्लान्स भी डेवलप कर सकें. बिल्कुल मैम जी बिल्कुल, मुझे इसकी आवश्यकता महसूस होती है. जिससे जब बच्चे पूछ रहे हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, हमारा इसको पढ़ने का क्या वो है, लेकिन इस पर हम जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजर है उसके ऑर्गेनाइजर्स को बना करके हम उनको एग्जांपल के रूप में हम लेसन प्लान डेवलप कर सकते हैं. तो आज का सिलेबस ही यही है कि आप मॉडल्स को बेसिस बना करके लेसन प्लान्स बनाइए. लेकिन हमारे स्टाफ में जो इसको पढ़ाता है वही जानता है, बाकी ने तो इसे पढ़ा ही नहीं है. तो लेसन प्लान्स कैसे डेवलप करेंगे, वो वही ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर चल रहे हैं जो हमारे लिए इसके हिसाब से पुराना हो गया है. तो हमेशा आप यूज करेंगे, उसके बिना तो आप चलाएंगे तो अच्छा इनोवेशन है वो. वो तो है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ मॉडल्स को उसमें इन्वॉल्व करना, मॉडल्स के अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग करना एक नई तरह की क्रिएटिविटी है जिसको हमें यूज करना पड़ेगा. तो मैम आप अगर करेंगे तो ये CAM के ऊपर हम एक लेसन डेवलप करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से. तो मेरे ख्याल से कम है. तो मैडम क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, आपसे इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका जो तरीका था, वे ऑफ टीचिंग समझाने का जो तरीका था, बहुत अच्छा लगा. मैडम आपको हम हमेशा बुलाते रहेंगे, मेरी ये आशा है. और साथ में मैं आपके साथ पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. क्योंकि एक से भले दो, जब हम एक ही टॉपिक को दो तीन जने डिस्कस करेंगे तो और अच्छा हमें मिलेगा उसके विषय में, हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे उससे. तो आज के लिए मैं हमारी रिसोर्स पर्सन नीलम, डॉक्टर नीलम कुमारी जी का अत्यंत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को लाभान्वित किया, हमें लाभान्वित किया. मैं तो बहुत तन्मयता से सुन रही थी. तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, आप हमारे यहाँ आए और हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया और हमारे बच्चों को इतने सरल और रोचक ढंग से आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग के विषय में बताया, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इसके साथ Thank you, Renu ma'am. Ma'am, just wait for one minute. I am calling. Himanshu is here. Himanshu, for formal vote of thanks, our first semester student. Himanshu, नहीं है क्या? चलिए. लेकिन ठीक है. हाँ, मैडम ने आप धन्यवाद ज्ञापित किया. मैं रेणु मैम की भी आभारी हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया, सभी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ने लेक्चर सीरीज को करने में सहयोग प्रदान किया है. लेकिन मैं बच्चों से एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैडम ये जो दो तीन सेंटेंस लास्ट में कहे कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको कोशिश जारी रखनी है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको बेसिक्स की जानकारी होना आवश्यक है, आप मोटिव्स लेके साथ में चलिए, इन 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 चार या पांच जो मैडम ने लास्ट में जो सेंटेंस आपसे कहे वो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे. कितनी भी डिफिकल्टी आए, कितनी भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, कैसी भी सिचुएशन आए, आप अगर इन इन मीन्स पांच वर्ड्स के साथ अगर आप अपनी इस टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी. और जो भी प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस की उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप उसका यूज करने में सक्सेस हो पाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर नीलम का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ही वैल्यूबल समय हमारे साथ यहाँ पर दिया है. आई रियली थैंक्स टू मैम फॉर योर वैल्यूबल टाइम विच यू हैव स्पेयर्ड विद ऑल ऑफ अस एंड वी ऑल गेट बेनिफिटेड विद यू विद द लेक्चर. थैंक यू. थैंक्स ऑल ऑफ यू. थैंक्स इनता मैम, ऑल ऑफ यू. Thank you.